लोकतंत्र में जनता को अधिकार होता है और जनता अपना न्याय फैसला सुनाती है। सरकारें 5 साल काम करती हैं, फिर चुनाव होता है। यही व्यवस्था देश की है। ये मोदी लहर थी न कि बीजेपी लहर थी, आरएसएस लहर थी न कि बीजेपी लहर थी। और मोदी जी जितना झूठ बोल सकते थे बोल करके उन्होंने देश की जनता को बेवकूफ बनाया, नौजवानों को बनाया, काशी को बनाया। खुद इन्होंने कहा था कि काशी मैं नहीं आया हूँ, गंगा मैया मुझे बुलाया है। और आज काशी में कोई इलेक्शन बता दे मोदी जी, जब से हुआ है सबसे पहला बाई इलेक्शन हुआ है। जो 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 एमपी हो गई थी अपना दल पार्टी की और वो बीजेपी नहीं जीत पाई, कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव हुआ नहीं जीत पाई, जिला पंचायत चुनाव हुआ नहीं जीत पाई। तो आखिर कौन सा चुनाव इन्होंने काशी में जीत करके दिखाया है कि वहां की जनता इनको दोबारा मत दे। सिराज मेहंदी साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गाजियाबाद की मेयर सीट हमारे खाते में आ गई, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया। अरे भाई, ये संकेत क्या है? अभी तो आप काशी में चर्चा कर रहे हैं, अभी आप चर्चा काशी कर रहे हैं, आप गाजियाबाद पहुंच गए। नहीं सर, आप नाकामी गिना रहे हैं कि वहां पर नहीं जीत हुई है, तो बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमने वहां पर नहीं जीता। तो नाकामी हम गिना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुआ, इनकी सीट थी, हम जीत गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई। मध्य प्रदेश जहां की 10-15 साल सरकार चल रही है, बड़ी सी सरकार मानी जा रही है, वहां लोकसभा के चुनाव इनकी इनकी सीट थी, बीजेपी की सीट थी, कांग्रेस पार्टी जीत गई। गुजरात में जिला पंचायत का चुनाव आप ले ही रहे हैं, तो गुजरात में जिला पंचायत चुनाव हुआ, 31 जिले गुजरात में है, हमारी एक जिला पंचायत थी, एक कई सब जीत गए। अभी महाराष्ट्र चुनाव हुआ है, आपने देखा होगा, जिला पंचायतों को हुआ है, नगर निकाय को हुआ है, 135 सब जीते हैं, बीजेपी 33 जीती है। तो आखिर कहां क्या, और वहां भी इनकी सरकार है, क्योंकि झूठ पर बहुत दिन नहीं चला जा सकता।